बीजेपी अगर आज सत्ता में है बिहार में तो तेजस्वी और लालू यादव की वजह से है, ओएसी की वजह नहीं है। बताओ फिर क्यों नहीं कहा जाता इस बात को मेरे भाई? जब लालू जी नहीं डरे सीबीआईडी इनकम टैक्स से, जब लालू जी बीजेपी के आगे घुटना नहीं टेके तो लालू जी का बेटा डराएगा? टीविया में आर्ट देखते हैं कि नहीं देखते हैं? मोदी की गारंटी। अरे मोदी जी हमारे चाचा का गारंटी ले सकते हैं कि फिर से पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे? हमने विधानसभा में बोला, जितना भाजपा वाला सब था सब चुप हो गया, सब शांत बैठ गया, कोई बोल ही नहीं रहा, कोई गारंटी ले ही नहीं रहा। आई लोग एक गो नहीं दू गो डिप्टी सीएम, भाजपा का एक गो नहीं दू गो, वो दोनों डिप्टी सीएम एक दूसरे का मुंह देख रहा है कि तू कहो गारंटी लो, तू कहो गारंटी लो, कोई गारंटी नहीं ले रहा। तो अब तो चलिए, हमारी तो लड़ाई असली भाजपा से ना है, हमारी लड़ाई किससे है? अब नीतीश जी तो बुजुर्ग हो गए हैं, रिटायरमेंट का समय आ गया है, अब क्या उनसे लड़ा जाएगा? छोड़िए उनको, लड़ाई असल भाजपा से है। देखिए सीतामढ़ी हम आए थे, जानकी महोत्सव में आए थे कि नहीं आए थे? पर्यटन विभाग मेरे पास था, पर्यटन विभाग हमारे पास था। हमारे कलम से अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो फाइल दिखा देंगे, सीता जी का मंदिर का नया निर्माण पुनः निर्माण लगभग जो है 72 करोड़ का हम करा रहे हैं, काम शुरू है। जब लालू जी नहीं डरे सीबीआईडी इनकम टैक्स से, जब लालू जी बीजेपी के आगे घुटना नहीं टेके तो लालू जी का बेटा डराएगा? चलिए शुक्रिया। अरे हम लोग डरे वाला हैं, और बात सुनो जरा, सुन रहे हैं? जितना भ्रष्टाचारी या चोर लोग था वही हो गया, बात कर लेने दो भाई, माला बाद में पहनते रहिएगा, सबको माला पहनना है, बैठिए। वो लोग जांच कराएगा, बताओ जो नौकरी दिया उसका जांच कराएगा, जो अस्पताल शिक्षा व्यवस्था सुधारा उसका जांच कराएगा, तो जो कराना है करा ले, सांच को आज किस बात का? हम लोग पवित्र हैं, कोई डरने वाले लोग नहीं है, चाहे कोई आए और जाए। अरे भाई नीतीश जी इसीलिए हम लोग एकजुट हुए थे कि भाजपा को रोकेंगे 2024 में, लेकिन वही अब धोखा दे दिए, पलट गए। तो अब चाचा जो झंडा लेकर के चले थे, अब भतीजा झंडा उठा करके बीजेपी को रोकने का काम करेगा। बीजेपी अगर आज सत्ता में है बिहार में तो तेजस्वी और लालू यादव की वजह से है, ओएसी की वजह नहीं है। बताओ फिर क्यों नहीं कहा जाता इस बात को मेरे भाई? इसलिए नहीं कहा जाता कि उनका नाम तेजस्वी है, मेरा नाम ओवैसी है, उनका नाम लालू यादव है, मेरा नाम असदुद्दीन ओवैसी है। नीतीश ने पटना में बड़े बड़े मुसलमान लोगों को बुलाते थे, हर महीना बुलाकर मीटिंग करके बोलते, हैदराबाद से शेरवानी आ रही है, दूर रहिए दूर रहिए दूर रहिए। अब हम पूछना चाह रहे हैं, वो जो मुसलमान जाकर नीतीश के पास बैठकर चाय करी पफ खाते थे, अब बोलो तुम्हारी जबान क्यों बंद है? एक तो एक मौलाना थे, उन्होंने क्या कह दिया, क्या कहा उन्हें कि हम तो बेताब हैं नीतीश पूरे मुल्क की खियादत करे। मौलाना अब अपनी जबान क्यों नहीं खोल रहे आप? खोलो अपनी जबान को,
मेरा जुर्म सिर्फ यही है कि मैं चाहता हूं कि भारत की राजनीति में मुसलमानों को उनका जायज मुकाम मिले। मैं चाहता हूं कि जिस तरह यादवों ने तरक्की की उस तरह सीमांचल का गरीब भी तरक्की करे। जिस तरह यादवों ने लालू और उसके परिवार को 17 साल सत्ता दी, नीतीश को 12-13 साल यानी 32 साल बिहार के निकल गए लालू परिवार में और नीतीश में। बताओ आपको क्या मिला मेरे भाई? मैं यहां पर क्या कोई हासिल करने आया हूं? मैं तो सिर्फ इंसाफ की लड़ाई लड़ने आया हूं अख्तर अली मान के साथ। बताइए क्या मिल रहा है आपको? ये 4 बेईमान चले गए जिनके पास तो कौन सी मिनिस्ट्री थी? डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा की मिनिस्ट्री थी। कौन सा तुमने किया? अरे तुम भी अब आपदा आ गई, अब तुम खत्म हो गए इंशाल्लाह हमेशा के लिए। यही हमारी गलती है। अब आप बताइए 32 साल निकल गए इनके। ये बिहार सरकार ने एक सर्वे किया, अख्तर भाई ने मुझे डेटा दिया, कुलहिया बरादरी पूरे बिहार में 12,83,780 है। कितने हैं? 12,83,780 हैं। उनको नौकरी मिलनी चाहिए थी 20,421, लिख लीजिए वरना कल बोलेंगे ओवैसी झूठ बोल दिया। 20,421 नौकरी मिलना था। कितने कुलैया बरादरी को नौकरी मिली? 5,734। इसका जिम्मेदार मैं हूं, इसका जिम्मेदार अख्तर अली मान है, इसके जिम्मेदारी आप पर भी आयद होती है क्योंकि आपने लालू का साथ दिया, आपने नीतीश का साथ दिया। बताओ तुमको क्या हासिल हुआ? तुम्हारा वोट उनको इख्तदार की कुर्सियों पर बिठा दिया, तुम्हारा वोट उनको मुख्यमंत्री बना दिया, तुम्हारा वोट उनको 1 साल नहीं 17 साल 13 साल उनको सत्ता की कुर्सियों पर बिठा दिया। मगर आपका घर, आपके घर में आज चिराग जलाने के लिए तेल नहीं है, आपकी औलाद को नौकरी नहीं है। कब तक आप इस नाइंसाफी का शिकार होंगे मेरे भाई? ये आदाद शुमार मैं आपको बता रहा हूं, ये बिहार सरकार के हैं। और मैं मजलिस के जो मुखालिफिन हैं, जो मजलिस पर गाली देते हैं, मैं उनसे कह रहा हूं कि अल्लामा इकबाल ने कहा था कि अपने मन में डूब कर पा जा सुराग जिंदगी, अगर तू मेरा नहीं बन सकता तो अपना तो बन जाओ कम से कम तुम। अरे तुम मजलिस को गाली देते हो और मोदी ने कह दिया कि अब की बार पार्लियामेंट में मोदी कह रहा है कि 370 एमपी जिता कर लाएंगे। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि तीसरी मर्तबा हमारे वतन अजीज भारत का वजीर आजम मोदी ना बने। और इंशाअल्लाह ताला हम हर चीज जो मुमकिन है जमहूरी तरीके में दायरे में रहकर, संविधान के दायरे में रहकर, हम बीजेपी के बढ़ते हुए कदमों को रोकेंगे। मगर बताओ मेरे भाई, अगर हम 3 सीट लड़ते हैं 2019 में तो मोदी 306 कैसे जीत गया? सोचो आप थोड़ी देर के लिए, 3 सीट मजलिस लड़ती है और पूरे देश में मोदी 306 जीत गया। बिहार के 40 सीट में सिर्फ 1 सीट बचा पाते, बाकी का सब एनडीए जीत जाती है। पूछो आप इन लोगों से, गठबंधन के लोगों से, तो बोलेंगे ओवैसी जिम्मेदार। अब ऐसा हो गया कि अगर किसी गठबंधन के घर नेता के घर में अगर गाय भैंस है, सुबह में गाय भैंस ने दूध नहीं दिया, मुर्गा ने आवाज नहीं लगाई सुबह 4 बजे, तो कोई जाकर पूछेगा ए आज मुर्गा ने आवाज नहीं लगाई, भैंस ने दूध नहीं दिया, क्या वजह? तो बोलेगा ओवैसी दरगाह में आया था, यहां से गया है, इसीलिए भैंस ने कहा कि हम दूध नहीं देंगे। यानी हर चीज की जिम्मेदारी हम पर आयद हो जाती है।